Assalamu alaikum, my future shining star. How are you all? I hope so you all are fit and fine. Let's open your basic science concept worksheets. Today we are going to start page number 17 and the topic is body parts of a fish. Body parts of a fish. हमने एक fish के body parts के बारे में आज मालूम करना है, ठीक है, जानना है. Okay? Add a letter to complete the body parts of the fish. हमने एक letter को add करना है और complete करना है body part of the fish. इस cute सी fish के body part को, ठीक है? First of all हमें मालूम होना चाहिए जो भी इसके body parts हैं उनके name क्या है, ठीक है? Eye ये जो इसकी आंख नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं आई. फिन इस पार्ट को, फिश के इस पार्ट को, ये जो पर्सा नजर आ रहा है इसको कहते हैं फिन. ये लास्ट में जो आपको नजर आ रहा है फिश का पार्ट इसको कहते हैं टेल. और ये इसके गले के पास जो नजर आ रहा है इस हिस्से को कहते हैं गिल. और ये इसका जो मुंह है इसको हम कहते हैं माउथ. ओके, मैं इसको राइट कर चुकी हूँ, इसको सॉल्व कर चुकी हूँ, लेकिन आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे किया. आई, आई के लिए ई वाई ई की ज़रूरत होती है जो कि डी ग्राफ है, मिलकर आई बनते हैं, ठीक है. मैंने यहाँ से देखा कि कौन सा लेटर ऐसा है कि जो मैं इधर लगाऊंगी तो ये आई बन जाएगा. अब लेट सपोज मेरे पास वाई य और ई ए है तो ये तो यह बन रहा है. इसको आय बनाने के लिए ज़रूरत होती है ई की. मैंने यहाँ से एक लेटर ई ए लिया और इधर राइट कर दिया, इस तरह ये डी ग्राफ बन गया आई, जो कि एक नेम भी है. नेक्स्ट फिन, फिन फर्स्ट लेटर मिस था, हमने देखा आहिस्ता से फिन, फ की आवाज़ आ रही थी तो मैंने यहाँ राइट किया एफ फ. टेल, ट टेल फर्स्ट लेटर ट, ट टेल. गिल, ग किसका साउंड है, ग इल गिल, ग साउंड जी ग का था, मैंने यहां जी ग राइट कर दिया तो ये बन गया गिल. माउथ, आउट लिखा है लेकिन आउट 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 लिखा हुआ है लेकिन एक वर्ड यहाँ से मिस है तो हम सोचते हैं आंखें बंद करके माउथ, माउथ स्टार्ट में जो साउंड आ रहा है वो है म, एम म माउथ. आई, फिन, टेल, गिल, माउथ. आपने इसी तरह इसको कंप्लीट करना है और इसके पार्ट्स ऑफ बॉडी को जुबानी लर्न करना है. आपको पता होना चाहिए कि इसके इस पार्ट को क्या, फिश के कौन से पार्ट को क्या कहते हैं. जैसे कि इसको कहते हैं आई, आंख को, इसे पर को कहते हैं फिन, दुम को कहते हैं टेल, ये जो गले के पास वाला हिस्सा है इसको कहते हैं गिल, और इसके मुंह को कहते हैं माउथ. ओके स्टूडेंट्स, आज का आपके आपका लेसन यही था. आपने इसको बहुत केयरफुली करना है और बहुत अच्छे से लर्न करना है. एंड नेवर फॉरगेट टू राइट योर नेम एंड डेट इन द लास्ट ऑफ योर पेज. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.